Please. Good afternoon, dear students. Let's start your first lesson of class 6, and your first lesson is magnets and magnetism. Magnet or magnetism किसे कहते हैं? What is magnet? Magnet क्या है? And what is magnetism? और चुंबकत्व किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं कि चुंबक का चुंबकत्व क्या है. चुंबक, जैसे आप लोग जानते हैं, मैग्नेट को आप जानते हैं कि भाई आप लोगों ने मैग्नेट से गेम भी खेला होगा, मैग्नेट आप लोगों ने चिपकाया भी होगा, है ना. तो आप लोग तो जानते ही हैं कि व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट हम किसे कहते हैं, है ना. अगर ये स्पीकर लगा हुआ है तो इसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है, तो मैग्नेट का यूज़ हम कई जगह करते हैं. तो आइए उसी के बारे में आज पढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट किसे कहते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 का एनुअल एग्जाम का फर्स्ट लेसन, एंड योर फर्स्ट लेसन इज मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म. मैग्नेट हैव बिकम वेरी कॉमन. देयर आर यूज फॉर मैग्नेट स्टिक, पिन स्टैंड, टॉयज विद मैग्नेट, मैग्नेट चेस, ETC. इट इज थॉट दैट वर्ड मैग्नेट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द टाउन मैग्नीशिया. कहाँ से लिया गया है ये मैग्नेट, कहाँ से लिया गया है? मैग्नीशिया, जो एक कस्बा था, टाउन था, जिसे हम मैग्नीशिया कहते हैं, वहाँ हमारा जो मैग्नेट है वो डिस्कवर किया गया हुआ था. सो फॉर दैट मैग्नेट्स नेम इज गोइंग फॉर दैट टाउन नेम, एंड द नेम इज मैग्नीशिया, वेयर द फर्स्ट मैग्नेट वॉज डिस्कवर्ड, जहाँ पर पहले मैग्नेट को डिस्कवर किया गया है. बट सम पीपल असेंड द नेम मैग्नेट टू द नेम ऑफ द शेपर्ड बॉय मैग्नेस. मैग्नेस के नाम पर ही कुछ लोग इसका नाम मैग्नेट मानते हैं. हु लिव्ड इन मैग्नीशिया, जो मैग्नीशिया में रहता है. वन डे व्हाइल ही वॉज पर्चरिंग हिज कैटल्स फ्लॉक, ही सेट डाउन ऑन अ ब्लैकिश रॉक टू द टेकिंग लिटिल रेस्ट. कुछ समय को रेस्ट करने के लिए ये जो मैग्नीज था वो क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था, अपने कैटल्स को ले जाकर चरा रहा था, है ना. जैसे आप लोग जानते हैं कि आमतौर पर बकरियों को ले जाकर लोग चराते हैं, वैसे ये मैग्नीज जो था वो भी अपने कैटल्स को चरा रहा था. थकने के बाद भाई वो क्या हुआ कि कुछ समय के लिए वो एक ब्लैकिश रॉक पर जाकर बैठ गया. आगे क्या होता है चलिए देखते हैं. वाइल लिविंग अप, जब उसने छोड़ा, मीन छोड़ने का मतलब है व्हेन ही स्टैंड अप, जब वो खड़ा हुआ तो क्या हुआ. व्हेन ही लिविंग अप ही सॉ दैट द नेल ऑफ हिज शूज एंड द आयरन हुक्स ऑफ हिज स्टिक वर स्ट्रांगली अटैच्ड टू द रॉक. उसने क्या देखा कि उसके जूते में जो कील लगी हुई थी वो, और उसके स्टिक में जो रिंग लगी हुई थी लोहे की, वो भी उस रॉक पर चिपक गई. सो ही फ्रेटर्ड, वो डर गया. क्यों डर गया भाई, सडनली अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो आप भी डर जाते हैं. सो वैसे ही ये भी डर गया और इसने क्या बोला, भूत, लाइक दिस, और चिल्लाता हुआ भाग गया. आगे क्या होता है चलिए देखते हैं. दिस रॉक वॉज फर्स्ट मैग्नेट डिस्कवर्ड बाय अ मैन, और इसी तरह से क्या हुआ, इसने क्या किया, मैग्नीज ने क्या किया, मैग्नेट की खोज की, और इसी के नाम पर कहते हैं कुछ लोग कि भाई इसकी ही नाम पर क्या रख दिया गया, मैग्नेट रख दिया गया. मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच अटैच आयरन और स्टील. सच अ मटेरियल इज कॉल्ड अ मैग्नेट, एंड द फोर्स दैट इज यूज टू अटैच आयरन ETC इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स. और भाई मैग्नेट तो उसको कह दिया हमने, मैग्नेट हमने नाम कर दे दिया, बट मैग्नेटिज्म किसे कहते हैं? तो चुंबक का जो गुण होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है. भाई चुंबक की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी चीज़ को अटैच करना, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, है ना. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, आयरन या तो स्टील, इनको क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है. और जब अट्रैक्ट करता है तो उसकी जो कैपेसिटी होती है अट्रैक्शन की, दैट कैपेसिटी इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स, और उसी को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई. आगे आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है,
प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैग्नेट के गुण क्या होते हैं। तो भाई पहला मैग्नेट का गुण क्या है, तो पहला गुण है टू अटैच, अपनी ओर क्या करना, आकर्षित करना या अपने से उस किसी चीज को जोड़ना। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, मैग्नेट कैन बी अटैच आयरन स्टील कोबाल्ट निकल एंड मैग्नेट मैग्नीज, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड द मैग्नेटिक मटेरियल, और इनको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। अब मैग्नेट सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, अ मैग्नेट सपोज्ड फ्रीली ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ, और जो हमारा मैग्नेट होता है वो मैग्नेट हमेशा फ्रीली होता है, स्वतंत्र होता है, किस साइड के लिए, नॉर्थ और साउथ पोल में वो हमेशा फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। मीन्स मैग्नेट को आप रोटेट करके जिस भी दिशा में घुमा दीजिए वो आकर हमेशा कहाँ रुकता है, ही स्टॉप्ड एट टू डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ अ मैग्नेट इज कट इंटू अ पीसेस, यदि हम मैग्नेट को क्या करें, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें, ढेर सारे टुकड़े कर दें, मैग्नेट के ढेर सारे टुकड़े अगर कर देते हैं तो ईच पार्ट ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट का प्रत्येक पार्ट हमारा क्या करता है, टू पोल्स का फॉर्मेशन करता है। मीन्स अगर हमने इसको दो भागों में बांट दिया है तो हेयर इज नॉर्थ एंड हेयर इज साउथ, हेयर इज साउथ एंड हेयर इज नॉर्थ, हेयर इज नॉर्थ एंड हेयर इज साउथ। मीन्स दो पोल हमेशा मैग्नेट्स में पाए जाते हैं, इफ इट इट इज अ लिटिल पार्ट ऑफ अ मैग्नेट, चाहे वो मैग्नेट का एक छोटा सा ही पार्ट क्यों ना हो, बट इट हैव टू पोल्स, उसमें दो पोल्स होते हैं, फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकेंड वन इज साउथ पोल। देखते हैं, योर नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट किसे कहते हैं और आर्टिफिशियल मैग्नेट किसको कहते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट, द मैग्नेट विच अकर्स नेचुरली इज कॉल्ड द नेचुरल मैग्नेट, जो हमें प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसको हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। नेचुरल मैग्नेट इज ओनली मैग्नेटाइट दैट फॉर्म्स एज एन ऑर ऑफ आयरन, जो किससे बना होता है, ऑर ऑफ आयरन से मिलकर बना होता है, उसको हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। बट आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट किसको कहते हैं, द आर्टिफिशियल मैग्नेट, आप जानते हैं भाई कि किसी भी चीज़ को जो मनुष्य बनाता है, जिस चीज़ को मनुष्य बनाता है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, नॉर्मली सी बात है। तो इसमें क्या कह रहा है, अ मैग्नेट विच इज आर्टिफिशियली मेड बाय मेड बट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ नेचुरल मैग्नेट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल मैग्नेट। मीन्स जो मनुष्य के द्वारा तो बनाया जाता है बट उसमें प्रॉपर्टीज वही होती हैं जो एक मैग्नेट में होती हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज वाले मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। द मैग्नेट मेड फ्रॉम आयरन स्टील कोबाल्ट और निकल आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर अवेलेबल इन वेरियस शेप, और जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है वो कई शेप में अवेलेबल होता है। चलिए, ये आपके दो आर्टिफिशियल और नेचुरल मैग्नेट्स हो गए। तो भाई अब आप लोगों से हम कुछ शब्द आपसे पूछना चाहेंगे, है ना, और मैं चाहूँगा कि आप लोग उनका आंसर जरूर दें। ठीक है, कि भाई अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप लोग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो भाई आप लोग कमेंट करके मुझको एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि भाई हमने अभी आपको बताया कि मैग्नेट क्या है, किसको हम मैग्नेट कहते हैं। तो चलिए आप हमको एक क्वेश्चन बताइए, हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट किसको कहते हैं। तो चलिए जल्दी से आप कमेंट करके मुझको बताइए कि मैग्नेट किसे कहते हैं। और आपको मैं बताता चाहूँ कि अगर वीडियो बना रहे हैं, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग भाई जरूर करिए, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और मेरे क्वेश्चंस का आंसर जरूर दें, ताकि आप मुझे ये भी पता चलता रहे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। यदि आपका कोई क्वेश्चन भी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें कि भाई उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे सकूं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्नेट, इसका तुरंत आंसर दीजिए, कमेंट करके तुरंत आंसर दीजिए कि मैग्नेट किसे कहते हैं। एंड योर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज मैग्नेटिज्म,
आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व किसे कहते हैं। तो जल्दी से इन दो क्वेश्चनों का आंसर दीजिए और मैं अभी अपने कमेंट बॉक्स पर देखता हूँ कि किन किन लोगों ने मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं और कौन कौन स्टूडेंट्स मेरे इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाते हैं। आप लोग पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, इसी चीज़ को देखने के लिए इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन के आंसर को आपको मेरे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर देना है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, तब तक आप लोग आंसर को टाइप करते रहिए क्योंकि मैं यही हूँ, है ना, कहीं जा नहीं रहा हूँ। तो आप आंसर ज़रूर दें और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, आंसर ज़रूर दीजिएगा। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। भाई मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, किनको हम कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस और किनको कहते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अगर मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो दोज सब्सटेंस विच आर अटैच्ड विद मैग्नेट, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। उनको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जो चुंबक के द्वारा, चुंबक से क्या हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं लाइक दिस, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट मटेरियल कहते हैं। जैसे आप चुंबक लेते हो और चुंबक को अलमारी में चिपकाते हो, वैसे चुंबक चिपक जाता है। मीन दैट अलमारी आपकी कैसी है, आयरन की बनी हुई है, इसीलिए तो वो चिपक गई, है ना। लेकिन जो आपका, जो मटेरियल्स आपके वुड के बने हुआ है, प्लास्टिक का, कभी आप उसमें चिपका कर देखिए, चिपकता है क्या, नहीं ना। इसका मतलब ये नॉन मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो ध्यान रखिएगा, दोज मटेरियल्स विच आर अटैच्ड विद मैग्नेट दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, एंड विच डू नॉट अटैच्ड विद मैग्नेट दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। चलिए अब देखते हैं भाई, अगला पॉइंट है हमारा पोल ऑफ अ मैग्नेट। एक मैग्नेट का पोल क्या होता है, तो उसको भी देखते हैं, पोल ऑफ मैग्नेट। तो मैंने अभी जैसे आप लोगों को बताया हुआ है कि वन मैग्नेट हैव टू पोल्स, एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, क्या क्या होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसे कि आप लोग अपनी बुक पर देख ही रहे हैं, है ना, कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ एक मैग्नेट बना हुआ है, बार मैग्नेट, है ना। इसमें एक ब्लैक पोर्शन है और एक रेड पोर्शन है। ब्लैक पोर्शन को इसने लिखा हुआ है साउथ पोल, और सॉरी जेड, एंड रेड पोर्शन को लिखा हुआ है, सॉरी एस पोर्शन लिखा हुआ है, जेड पोर्शन, एन पोर्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो एस मतलब साउथ पोर्शन एंड एन मतलब नॉर्थ पोर्शन। यहाँ पर आप लोगों के दो पोर्शन दिए हुए हैं, कौन कौन से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये जो आपका मैग्नेट होता है उसमें दो पोल्स होते हैं, कौन कौन से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, इफ वन मैग्नेट आर ब्रोकन इंटू टू पीसेस देन ईच मैग्नेट हैव टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दोनों मैग्नेट में हमारे कितने पोल्स पाए जाते हैं, दो पोल्स होते हैं, कौन कौन से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो ये पोल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बट अभी तक आप लोगों ने आंसर का जवाब नहीं दिया, है ना, कि व्हाट इज मैग्नेट एंड व्हाट इज मैग्नेटिज्म, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म क्या है। इसके बाद चलिए, कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं आंसर देने की, अच्छा आंसर दे रहे हैं। और मैं चाहूँगा आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आप देखते जाइए, शॉर्ट आंसर्स का ये थर्ड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया, व्हाट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट, गिव सम एग्जांपल। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का कि व्हाट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखिए मैं आप लोगों की एक्सरसाइज भी साथ साथ करवाता जा रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, है ना। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक पहुँचती रहे, है ना। और अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करें। और आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट, गिव सम एग्जांपल। कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के नाम बताने हैं आपको, उसके एग्जांपल देने हैं, और आर्टिफिशियल मैग्नेट किसे कहते हैं। तो देखिए मैंने आप भी आप लोगों को आर्टिफिशियल मैग्नेट 110 पेज नंबर पर पढ़ाया हुआ है। आर्टिफिशियल मैग्नेट, द मैग्नेट विच इज आर्टिफिशियली मेड बाय, जिसको हम आर्टिफिशियली तौर पर बनाते हैं, बट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द नेचुरल मैग्नेट, उसमें नेचुरल मैग्नेट के जैसे प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, दैट टाइप्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, तो इसी चीज़ को आप तुरंत कमेंट करके मुझे बताइए कि आर्टिफिशियल मैग्नेट किसे कहते हैं। डू सून, जल्दी करिए।
देखते हैं कौन सा स्टूडेंट मेरे इस आंसर को कितनी जल्दी करता है, क्योंकि मैंने अभी आंसर आपको बता भी रखा हुआ है, और देखता हूँ कौन सा स्टूडेंट कितनी जल्दी अपने मोबाइल पर उंगलियाँ चलाकर कितनी जल्दी टाइप करता है और कितनी जल्दी मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बताता है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, रेस्ट पॉइंटिंग ऑफ अ रेफरली सस्पेंडेड मैग्नेट। इसमें देखते हैं व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, जब किसी मैग्नेट को हम स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, इट ऑलवेज कम्स इन रेस्ट पोजीशन, जब वो विरामावस्था में आता है, मींस लाइक दिस इज अ मैग्नेट, ये क्या है आपका मैग्नेट है और इसको हम रोटेट करके फ्रीली छोड़ देते हैं, और जैसे ये अपने विरामावस्था में आती है, पॉइंटेड इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में रुकता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकता है। इट एंड्स पॉइंटिंग नॉर्थ इन इट्स नॉर्थ पोल, और जो नॉर्थ का डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ को शो ऑफ करता है, एंड साउथ पोर्शन इज स्टॉप्ड इन साउथ डायरेक्शन, और साउथ का जो पोर्शन होता है वो साउथ डायरेक्शन में रुकता है। लेट अस डू एन एक्टिविटी, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। भाई एक्टिविटी तो हमने करवा ही दिया है ना, कि भाई एक मैग्नेट ले लीजिए, उसको धागे में बांधिए, रोटेट कर दीजिए, वो जैसे ही अपने स्टॉपिंग पॉइंट पर आता है वो कहाँ रुकेगा, नॉर्थ और साउथ पोजीशन पर ही रुकेगा। तो भाई एक्टिविटी तो हम करवाते जा रहे हैं, है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक कंपास। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, अ मैग्नेटिक कंपास इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड बाय द ट्रेवलर्स सेलर्स एंड द नेविगेशन टू फाइंड द डायरेक्शन। अ मैग्नेटिक कंपास कंसिस्ट ऑफ द फ्लैट सर्कुलर एल्यूमिनियम बॉक्स जो हमारा मैग्नेटिक कंपास होता है वो किसका बना होता है, फ्लैट आयरन सॉरी कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सर्कुलर एल्यूमिनियम बॉक्स का बना होता है, एट द बॉक्स कार्डियली पॉइंटेड सब पॉइंट्स एंड डिग्रीज ऑफ मार्क्ड इन द राउंडेड टू शो द डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, देयर इज फोर डायरेक्शन आर द फोर डायरेक्शन पॉइंटेड ऑन द कंपास। कंपास में आपके चार डायरेक्शन पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ये चारों डायरेक्शन आपके कंपास में शो ऑफ किए जाते हैं। द फोर सब पॉइंट्स मार्क नॉर्थ साउथ एंड सॉरी नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इन बिटवीन ऑल दीज पॉइंट्स देयर आर मार्क ऑफ 360 डिग्री, ये कितने में होती है, 360 डिग्री के कोण पर होती है। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज द अर्थ मैग्नेटिज्म। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी होती है वो भी एक क्या है, मैग्नेट है, वो भी अट्रैक्शन पावर रखती है, सो वी कंसीडर्ड इट लाइक अ मैग्नेट, इसको हम किसके रूप में कंसीडर्ड करते हैं, एक मैग्नेट के रूप में कंसीडर्ड करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है, द अर्थ मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकत्व क्या है। एज यू नो अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन अलॉन्ग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, जो हमारा एक फ्री मैग्नेट होता है वो कहाँ होता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होता है। वाई, क्यों, दिस इज बिकॉज, वो अब क्यों हमारा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है, मीन्स हमारा जो कंपास होता है, कंपास की नीडल हमेशा हमारी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रुकती है, ऐसा रीजन क्या है। तो चलिए इस रीजन को भी हम खोजते हैं कि हमारा एक कंपास कैसे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकता है, एक फ्रीली मैग्नेट कैसे हमारे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकती है, कैसे ये सब कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। दिस इज बिकॉज द अर्थ इट्सेल्फ बिहेव लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट, वो कैसे रिएक्ट करती है, एक बार मैग्नेट के जैसे हमारी पृथ्वी रिएक्ट करती है। देयर इज वेरी लार्ज मैग्नेट फील्ड अराउंड द अर्थ, हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या पाई जाती है, एक बहुत बड़ा चुंबकत्व का एरिया पाया जाता है। ह्यूज बार मैग्नेट विद साउथ पोल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ, और जो हमारा साउथ पोल होता है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ को डायरेक्ट डायरेक्शन करता है, एंड इज नॉर्थ पोल इज पॉइंटिंग टूवर्ड द जियोग्राफिकल नॉर्थ, एंड ये जो
एंड इट्स नॉर्थ पोल, और इसका जो नॉर्थ पोल होता है वो किधर पॉइंटिंग करता है, टूवर्ड्स द जियोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में, मीन्स यहां नॉर्थ डायरेक्शन यहां साउथ डायरेक्शन। जब ये एक बार मैग्नेट, अर्थ बार मैग्नेट एक जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन एंड जियोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है, सो इसीलिए व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, जब एक बार मैग्नेट को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, देन द नॉर्थ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट इज अटैच्ड बाय द अर्थ, उसको क्या कर दिया जाता है, पृथ्वी के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाता है। मैग्नेट नॉर्थ पोल देयरफॉर द सस्पेंडेड मैग्नेट रियली पॉइंटेड टू द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और यही कारण है जो हमारा मैग्नेट होता है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बिहेवियर्स ऑफ टू मैग्नेट पॉइंट, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपल्स, कि लाइक पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं। लाइक पोल का मतलब है, लाइक पोल आप लोग जानते हैं, लाइक पसंद करना, भाई हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, करते हैं कि नहीं, यू लाइक मी और नॉट, कमेंट करके बताइए भाई, यू लाइक मी, ओके डजेंट मैटर। तो इधर क्या कह रहा है, लाइक पोल, लाइक पोल मीन्स देयर इज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड हियर इज अनदर मैग्नेट, हियर इज साउथ एंड नॉर्थ पोल, ओके दीज आर लाइक पोल, दे रिपल्स टू ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपल्स ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अटैच ईच अदर, और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अटैच करते हैं। चलिए भाई आप लोगों को बता दें, मैरिज आप लोगों ने देखी होगी, है ना, मैरिज देखी है, तो भाई मैरिज जब होती है, शादी होती है, तो शादी होती है तो कैसे होती है भाई, एक दूल्हा होता है और जो दूसरा पर्सन होता है वो भी लड़का होता है ना, तो लड़के लड़के की शादी होती है, होती है क्या, नहीं होती ना, क्यों, क्योंकि बिकॉज दे आर सिमिलर, वो एक है, दे आर लाइक मैन एंड मैन, है ना, तो इनमें अट्रैक्शन नहीं होता, सो इनकी शादी नहीं होती, बट क्या होता है कि जब शादी होती है तो उसमें अपोजिट होते हैं, मींस एक लड़का होता है तो एक लड़की होती है, दे आर अनलाइक पोल्स, ये कैसे होते हैं, अनलाइक पोल्स होते हैं। अगर इनमें हमें अट्रैक्शन दिखाना है तो अट्रैक्शन क्या होगा, कि अट्रैक्शन में क्या होगा, यहां पर नॉर्थ होगा और यहां पर साउथ, दे आर अनलाइक पोल्स, तब क्या करते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। बाई पोल ऑफ ईच मैग्नेट, देखते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है, द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिट इन पेयर, हमेशा किस में पाया जाता है, मैग्नेट पोल हमेशा पेयर में पाया जाता है, जोड़े में, इफ वी सेपरेट द मैग्नेटिक पोल बाय द कटिंग बार मैग्नेट इन द मिडल, व्हेन इज ऑब्जर्व दैट ईच ऑफ द टू पार्ट ऑफ कंप्लीट मैग्नेट न्यू मैग्नेट पोल्स आर डेवलप्ड एट ब्रोकन एंड, ठीक है। अब क्या किया जाता है, यदि हम इस मैग्नेट को तोड़ देते हैं, बीच से इस मैग्नेट को तोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हमने नॉर्थ को अलग किया, साउथ को अलग किया, बट जब ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो अलग होने के बाद ये फिर एक कंप्लीट मैग्नेट के जैसे कार्य करने लगता है, लाइक नॉर्थ एंड साउथ, देयर इज टू पोल्स बट आफ्टर ब्रेकिंग इट दे हैव फोर पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, व्हाई, बिकॉज ईच मैग्नेट बिहेव लाइक अ कंप्लीट मैग्नेट, ईच मैग्नेट बिहेव लाइक अ कंप्लीट मैग्नेट, प्रत्येक मैग्नेट एक कंप्लीट मैग्नेट के जैसे कार्य करता है। इफ वी फर्दर कट दोज टू मैग्नेट्स, वी शुड गेट फोर सेपरेट मैग्नेट्स, ईच पार्ट वुड कंटेन अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वी कैन कंटेन दिस प्रोसेस एंड गेट सिमिलर एंड
सिमिलर मैग्नेट, ईच पीस विल बी अ कंप्लीट मैग्नेट, प्रत्येक मैग्नेट हमारा, प्रत्येक टुकड़ा हमारा एक कंप्लीट मैग्नेट के जैसा होगा. देयरफॉर वी कंक्लूड दैट एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डज नॉट एग्जिट ईच मैग्नेटिक इन अनडिप्लॉयड. सो ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, इसलिए एक मैग्नेट में हमेशा दो पोल पाए जाते हैं. योर 13 लेसन मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म इज कंप्लीटेड. आई सपोज दैट कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैग्नेट क्या है और मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं. और अभी तक आप लोगों ने आंसर को मुझे लगता है कमेंट करके नहीं बताया. भाई आप लोग सो रहे हैं क्या? हाँ, अभी आप लोगों के एग्जाम, एनुअल एग्जाम आएंगे, आप लोग क्या लिखेंगे, है ना? तो जितने क्वेश्चंस मैं आपको पूछ रहा हूँ उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर दें. हो सकता है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन लिखे हो, तब आप क्या करेंगे? सो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है? तो इसी के साथ आप लोगों की ये 13 लेसन कंप्लीट होता है. और मैंने शॉर्ट आंसर्स के दो थ्री क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए हुए. फोर्थ क्वेश्चन कह रहा, व्हाट आर द एंड ऑफ अ बार मैग्नेट कॉल्ड, मींस एक बार मैग्नेट के एंड को हम क्या कहते हैं. तो भाई अभी हमने बताया कि एक बार मैग्नेट के एंड को हम क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं, ठीक है? डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट. अब आपको भाई बताना है कि नेचुरल मैग्नेट क्या है और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है. तो वो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि व्हाट इज नेचुरल मैग्नेट एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट. व्हाई डज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट्स इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. क्यों हमारा सस्पेंडेड मैग्नेट, फ्री मैग्नेट क्यों नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आकर रुकता है? ये भी मैंने बताया, बाय द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, है ना, पृथ्वी के आकर्षण के कारण हमारा जो बार मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है. तो ये आप लोगों के शॉर्ट आंसर्स भी पूरे हो चुके हैं. मैं चाहूँगा कि आप लोग इन क्वेश्चंस को करके मुझे कमेंट्स जरूर करें. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.